हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड 2018 की वैकेंसी निकली है और उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। इस एग्ज़ाम में 150 प्रश्न होंगे, जिसमें 120 प्रश्न समविषय संबंधित होंगे और 30 प्रश्न जनरल स्टडी यानी समान अध्ययन के होंगे। ये 30 प्रश्न सभी विषयों वालों के लिए कंपलसरी रखे गए हैं और सभी के लिए अनिवार्य है। इन्हीं 30 प्रश्नों का जो पूरा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। आप चाहे तो उसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इन्हीं 30 प्रश्न जो है वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। इन सारे टॉपिक जो 8 पॉइंट आपको देख रहे हैं, मैं इन 8 पॉइंटों को आपको प्रोवाइड अपने वीडियो के जरिए भाग एक भाग दो के हिसाब से प्रोवाइड कराता रहूँगा। अभी ये वीडियो जो है मैंने इतिहास पे बनाया है और ये एलटी ग्रेड से संबंधित नहीं है। कोई भी अगर सरकारी जॉब निकलती है किसी भी फील्ड में, टीचर में, एसएससी में, बैंक में, अदर एग्ज़ाम में, तो सभी में जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारा उन लोगों के लिए भी है। इसमें पूरा ही मैंने सिलेबस रखा है, कहीं से कोई क्वेश्चंस छोड़ा नहीं है। हर क्वेश्चंस को मैंने इसमें प्रोवाइड करा दिया है। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस वीडियोस में कि आपको इतिहास, ये पहली वीडियो ऐसी है कि जो आपको इतिहास देखते ही याद करा देगी। बस आपको उस वीडियोस को 2-3 बार रिमाइंड करके देखेंगे तो आपको इतिहास के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से, और अदर जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस आपको इसको लगातार देखते रहना है। और आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपको मिलते रहे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेल आइकन आपके सामने आएगा, उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी मैं कभी वीडियो डालूँगा नए इसी पर टॉपिक पर या अलग टॉपिक पर, तो आपको वो वीडियो अपने आप ही आप तक पहुँच जाएंगे। और ये सब्सक्राइब बिल्कुल करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आइए अब स्टार्ट करते हैं इतिहास के क्वेश्चन से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश जैन है और आप सभी लोगों का मेरे चैनल जैन ट्यूटर पर हार्दिक स्वागत है। कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रह रहे थे? नर्मदा नदी के तट पर। आकेट शब्द का अर्थ है शिकार। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? सुलेमान और किरधर। भारत के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? गारो। भारत के मध्य में कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती है? विंध। थोड़ा टाइम के लिए मैं ये वीडियो रोक देता हूँ ताकि आप इसको दोबारा आसानी से पढ़ सके और देख सके। सिक्स क्वेश्चन है, भारत में चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? उसका स्थान का नाम विंध के उत्तर। गंगा की सहायक नदी का नाम बताओ? सोन नदी। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? हिंदास अथवा इंदोस। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा गया? इंडिया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पांडुलिपि से। पांडुलिपि का क्या अर्थ है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का क्या अर्थ है? यह शब्द लैटिन शब्द मैन्यू से लिया गया है जिसका अर्थ होता है हाथ है। पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी? यह प्रायः ताड़पत्र हिमाल क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से पोषपत्र पर लिखी जाती थी। पांडु लगभग कितनी वर्ष पुरानी है? 1000 वर्ष पूर्व। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा प्रातः ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते थे? स्रोत शब्द का। वर्ष या तिथि की गणना कहाँ से की गई है?
ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जानी जाती है ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले। BC का अर्थ है हिंदी में ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट। AD का अर्थ है हिंदी में यह एनो डामनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। AD की जगह प्रयोग होने वाला है CE जिसका अर्थ कॉमन एरा। BC की जगह प्रयोग होने वाला है BCE जिसका अर्थ बिफोर कॉमन एरा। BP का अर्थ है इसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। अज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तर अफ्रीकी के किस देश से मिलती है मिस्र से। रोसिस्टा क्या है मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बे का नाम। निम्नलिखित को सुमेल करो मतलब मिलान करना है आपको। नर्मदा घाटी जो है वो आखेट और संग्रहण से रिलेटेड है। मगध जो है वो पहला बड़ा राज्य है। गारो पहाड़िया जो है वो आरंभिक कृषि से रिलेटेड है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ ये प्रथम नगर से रिलेटेड है। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। मैं तो कुछ टाइम के लिए वीडियो इसलिए रोक देता हूँ ताकि आप इसको दोबारा ध्यान से देख लिया करिए। राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए जाते थे उसे क्या कहते हैं। कारतूस। कृषि का आरंभ हुआ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। वह लोग जो 20 साल पहले रहा करते थे और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें किस नाम से पुकारा जाता था। आखेट खाद संग्राहक। पत्थर से बने औजार को कितने साल पहले बनाया गया। लगभग 10000 साल पहले। पत्थर से बने औजार किस पत्थर के बने होते थे। गुटिका प्राकृतिक पत्थर के। जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उस स्थलों को कहा जाता था उद्योग स्थल। भीम बेटका किस प्रदेश का नाम था। आधुनिक मध्य प्रदेश का। पुरा स्थल का अर्थ है पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारती जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पसाड़ उपकरणों को प्रायः किन दो तरीकों से बनाया जाता था। पत्थर से पत्थर को टकराना दबाव शल्क तकनीक। आग की खोज किस गुफा में हुई थी। कुरनूल गुफा। आरंभिक काल को क्या कहते हैं। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द पूरा प्राचीन और पाषाण पत्थर। पत्थर के औजार की जानकारी किस काल में हुई। पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया। 3 भागों में। पहला आरंभिक दूसरा मध्य तीसरा उत्तर। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते उसे कहते हैं मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग। किस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग के दौरान होते थे। पूरा पाषाण युग। हुंसगी में औजार किससे बनाए जाते थे। चूना पत्थरों से। मध्य पाषाण युग का समय 12000 से 10000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10000 साल पहले। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह किसका पूर्वज था। कुत्ते का जंगली पूर्वज। बसने की प्रक्रिया का अर्थ है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को यह नाम दिया है। सबसे प्राचीन फसलों में कौन से आते हैं। गेहूं तथा जौ। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आते हैं। भेड़ बकरी। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें कहा जाता था गर्तवास। कृषक और पशुपालक समूह में रहने वालों को कहा जाता है जनजाति।
इनके आधुनिक नाम बताओ। मेहरगढ़, कोलंबिया, महागढ़ा, गुफकाल, बुरजहोम, चिराद, हेलो। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान, कोलंबिया आधुनिक उत्तर प्रदेश, महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश, गुफकाम आधुनिक कश्मीर, बुरजहोम आधुनिक कश्मीर, चिरांद आधुनिक बिहार, हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश, पयमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्या है? यह वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में घरों के आकार किस प्रकार के होते थे? चौकोर तथा आयताकार। मृत्यु के बाद लोग कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान जैसे बकरी को भी दफनाया जाता था। ऐसी कब्रें कहाँ मिली है मेहरगढ़ में? पूरा स्थल चीन तथा म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। दाओ जली हेडिंग। बसने की प्रक्रिया आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। कास्ट ठासम क्या है? ये अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई। ऊंचाई वाले भाग को प्रातित्व को कहा जाता था। नगर दुर्ग। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्व ने कहा महान स्नानागार। महान स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती थी? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की। महान स्नानागार में पानी भरने को स्रोत क्या था? कुएं। अग्निकुंड कहाँ मिले थे? कालीबंगा और लोथल नगरों में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में मिले थे। बड़े बड़े भंडार गृह। जो लोग मोहरों पर या अन्य चीज़ों पर लिखते थे उन्हें कहा जाता था लिपिक। पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी उसमें किस प्रकार के वस्त्र थे? कढ़ाईदार वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज़ की मोहर बनाते थे? पत्थर की। हड़प्पा मोहरों पर सामान्यतः किनके चित्र बने होते थे? जानवरों के। संभवतः 7,000 साल पहले कपास की खेती होती थी मेहरगढ़ में। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना उसको कहा जाता है विशेषज्ञ। फेंस क्या है? ये एक कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है जो बालू या स्टफिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। मनके चूड़िया वाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं फेंस से। उन पदार्थों को क्या कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसी किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं? कच्चा माल। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कहते हैं कच्चा माल। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे आज के राजस्थान से। कासा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली कौन सी धातु है? टिन। टिन का आयात होता था आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों। हड़प्पा काल में हल किस चीज़ के बने होते थे? प्रायः लकड़ी से। हड़प्पा के लोग किन जानवरों को पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। खंबात की काड़ी कहाँ है? गुजरात। गुजरात की खंबात की काड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा कौन सा नगर है? लोथल नगर। उस नगर का नाम बताइए जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है जो पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई चीज़ों का केंद्र है। लोथल नगर। उस बंदरगाह का नाम बताइए जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और जहाँ का पर माल उतारा और चढ़ाया जाता होगा। लोथल का बंदरगाह। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को क्या कहते थे? मोहरबंदी। मिस्र में कौन सी नदी है? नील नदी। मिस्र में राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें कहा गया पिरामिड। राजाओं के मरने पर उनके शव पर इन्हीं पिरामिडों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया जाता था। इन शवों को कहा जाता था ममी। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च कहाँ किया जाता था? मिस्र में। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी लगभग 7,000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4,700 साल पहले। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की अंत की शुरुआत लगभग 3,900 साल पहले। निम्नलिखित को
मिलान करना है आपको तांबा, तांबा आपका जो संबंध है वो उसका राजस्थान, सोना, सोना कहाँ मिलता है कर्नाटक, टिन अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। वेदों की संख्या कितनी है? चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई। सूक्त का अर्थ है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। स्तुति में विभिन्न देवी देवताओं को रचे गए, इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, वे कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। आग के देवता है, आपके देवता कौन है? अग्नि। युद्ध के देवता कौन है? इंद्र। सोम देवता है एक पौधा जिसे खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने। ऋग्वेद की भाषा है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। भारोपीय भारत यूरोपीय भाषा किसका हिस्सा है? संस्कृत भाषा। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में दो पूजित नदियों के नाम, व्यास और सतलज। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था, वे कौन से दो शब्द हैं? एक है जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, और दूसरा था विश, या जिससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद किसके नाम से मिलते हैं? विश और जनों के नाम से। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को क्या कहते हैं? दास या दस्यु। महापाषाण का अर्थ है, महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर। महापाषाण में मृतकों की खास किस्म की मिट्टी बर्तनों के साथ दफनाया जाता है, जिन्हें कहा जाता था काले मिट्टी की, मतलब ब्लैक एंड रेड बियर। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम प्रसिद्ध हुए थे, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में किस नाम की किताब लिखी थी? चरक संहिता नाम की। प्रसिद्ध बैग चरक के अनुसार मनुष्य में कितनी हड्डियाँ होती है? 360। आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार कितनी हड्डियाँ होती है? 206। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3300 से 2700 पहले। चरक लगभग, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। सूक्त, सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया है। रथ, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ अनुष्ठान। दास गुलाम। महापाषाण सजाए गए पत्थर। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कैसा था और इसका क्या महत्व था? यह यज्ञ में एक घोड़े के राजा के लोगों की देखरेख के लिए स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था, और जो कोई दूसरा राजा इस घोड़े को रोकता था उसे अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता, और अगर दूसरा राजा घोड़े को नहीं रोकता था तो इसका मतलब यह होता था अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा शक्तिशाली, ज़्यादा शक्तिशाली है। चारों वेदों में से कौन सा वेद उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद। पुरोहितों ने चारों लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया, इन्हें क्या कहा जाता था? वर्ण। पहले वर्ण में कौन आते थे? ब्राह्मण। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था। दूसरे वर्ण में कौन आते थे? इसमें शासक आते थे जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, और इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे वर्ण में कौन आते हैं? इसमें विश या वैश्य थे। इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। चौथा और अंतिम वर्ण में कौन आते थे? इसमें शूद्रों का था। इनका काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसना। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। हस्तिनापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास। अंतरंजी खेड़ा कहाँ है? एटक के पास। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इसमें धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थल में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले, इन्हें कहा जाता था चित्रे धूसर पात। चित्रे धूसर पात का अर्थ है बर्तनों पर चित्रकारी जिनमें अनाज रखा जाता था। 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें कहा गया महाजनपद। कौशाम्बी किले की दीवार कहाँ मिली थी? आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली थी, और ये ईंटों की बनी है। उपत का 1/6 भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, उन्हें कहा जाता था भाग। गंगा और सोन जैसी नदियों होकर गुजरती है मगध से।
मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, उनके नाम बिम्बिसार और अज्ञातशत्रु यानी कि अज्ञात शत्रु। बिहार में राजगृह आज का कौन सा आधुनिक जगह है? राजगीर। पाटलिपुत्र कहाँ है? आज का पटना। मैसेडोनिया का राजा था सिकंदर जो विश्व विजित करना चाहता था। वजी है एक राज का नाम। वजी वजी राज की राजधानी है वैशाली। बिहार। गण या संघ का अर्थ है एक अलग किस्म की शासन की व्यवस्था। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही संबंधित थे गण या संघ से। किस शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था? गण शब्द का। संगठन संघ का अर्थ है संगठन अथवा सभा। कौन सा निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए? दीर्घ निकाय। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे कहा कहते थे प्रजातंत्र गणतंत्र। सिकंदर का आक्रमण दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे सिद्धार्थ जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ का जन्म हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व। बुद्ध थे क्षत्रिय। बुद्ध क्षत्रिय थे जो एक छोटे से गण से संबंधित थे उनका नाम शाक्य। गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध की मृत्यु थी कहाँ हुई थी? कुशीनारा में। यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है ये शिक्षा दी थी बुद्ध ने। कभी कभी हम जो चाहते हैं वे प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे लिप्सा को कहा। तृष्णा। कौन सी इमारत के स्तूप को नाम से जाना जाता है जहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया? सारनाथ स्तूप। बुद्ध ने अपनी शिक्षा समान लोगों में को किस भाषा में दी? प्राकृत भाषा। उपनिषद उत्तर प्रदेश ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। जैन धर्म के संस्थापक का नाम वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर किस संघ के क्षत्रिय के राजकुमार थे? वाजी संघ के लिच्छवी कुल के। इन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। किसने कहा था? वर्धमान महावीर। सभी जीवन जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्रिय है। किसने कहा? वर्धमान महावीर। महावीर ने अपनी शिक्षा दी थी प्राकृत भाषा में। मगध में बोली जाने वाली भाषा है प्राकृत एवं मगधी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा है लगभग 1500 वर्ष पूर्व किस स्थान पर लिखी गई थी? गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में। कार्ले एक गुफा का नाम है यह कहाँ पर है? वर्तमान महाराष्ट्र में। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुणियों ने स्वयं और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया तथा कई शरण स्थल बनाए। उन्हें कहा गया बिहार। पहले ये लकड़ी के बनाए गए थे बाद में इनका निर्माण ईंटों से हुआ। ब्रह्मचार ग्रस्त बानप्रस्थ तथा संन्यास ये चारों क्या चीज़ें? आश्रम के नाम। जरतुस्त थे ईरानी पैगंबर। जरतुस्त की शिक्षाओं को संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में। जरतुस्त की मूल शिक्षा का मूल सूत्र है सद्विचार सद्विचन सद्कार। उपनिषदों के विचार जैन महावीर तथा बुद्ध का समय लगभग 2500 वर्ष पूर्व। जैन ग्रंथों का लेखन का समय लगभग 1500 वर्ष पूर्व। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने सहायता की थी चंद्रगुप्त की। चाणक्य के कई विचार हमें किस किताब से मिलते? अर्थशास्त्र नामक किताब से। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही कहा जाता था वंश। मौर्य वंश में तीन महत्वपूर्ण राजा हुए चंद्रगुप्त उसका बेटा बिंदुसार और उसका बिंदुसार का बेटा अशोक। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे उन्हें क्या कहते थे? संदेशवाहक।
चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजा सेलुकस निकेटक का राजदूत था मैग्नेस्टीज। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम था अशोक। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख है प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में। धम्म संस्कृत के किस शब्द का प्राकृत रूप है? धर्म। कलिंग तटवर्ती निकेत किसका प्राचीनतम नाम है? उड़ीसा का। किसने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसने युद्ध में भी तृष्णा हो गई और निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे? अशोक ने। अशोक के धम्म में क्या था? किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था अपनी प्रजा को निर्देश दे। अशोक किसके उपदेश से प्रेरित हुए? बुद्ध के उपदेश से। जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे उन्हें कहते थे धम्म महामात। अशोक ने अपने संदेशों को कहाँ पर खुदवाए? शिलाओं और स्तंभों पर। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए दूत भेजे सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका। चीन की दीवार का निर्माण कब से शुरू हुआ? 2400 वर्ष पहले। चीन की दीवार बनाने का क्या उद्देश्य था? उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। चीन की दीवार की लंबाई 6400 किलोमीटर। चीन की दीवार किससे बनी है? पत्थर और ईंट से। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। सौ 200 मीटर की दूरी पर चीन की दीवार की निगरानी के लिए जो बने हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुर्ज। मौर्य समाज की शुरुआत हुई थी 2300 साल पहले। लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले हुआ? 3000 साल पहले। लोहे के फॉल के इस्तेमाल में किसके उत्पादन बढ़ गया? कृषि के उत्पादन में। तमिल क्षेत्र में बड़े भू स्वामी को कहा जाता था बेलल्ला। तमिल क्षेत्र में साधारण अलवाओ को कहा जाता था उड़वार। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर दास को कहा जाता था केडीसीआर और अधिमई। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान को कहा जाता था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का कौन सा व्यक्ति होता था? गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें कहते थे गृहपति। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को कहते हैं संगम साहित्य। वले कूप का अर्थ है गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के जल निकास की व्यवस्था को वले कूप कहते हैं। एरेटाइन है लाल चमकदार बर्तन। एरेटाइन किस शहर के नाम पर रखा गया है? इन्हें इटली के शहर एरेटाइन पात के नाम पर। काली मिर्च रोमन की साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इस नाम से बुलाते थे काले सोने के नाम से। सात बानों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतम पुत्र श्री सातकर्णी। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन में करीब 7000 साल पहले। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्ठ। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्ठ के। बौद्ध धर्म की एक नई धारा में किसका विकास हुआ? महायान का। जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे उन्हें क्या कहते थे? बोधिसत्व। प्रसिद्ध बोधि विद्या केंद्र स्थित है नालंदा बिहार में। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस ग्रंथ में की गई है? पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में। भगवद गीता किसका हिस्सा है? महाभारत का। हिंदू शब्द किससे निकला है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस शब्द से निकला है। रेशम बनाने की कला की खोज है लगभग 7000 साल पहले। फा शियन का भारत आगमन लगभग 1600 वर्ष पहले। निम्नलिखित के जोड़े बनाओ। दक्षिण पर्त के स्वामी सात बाहन शासक मुमेंदार चोल चेर पांडे अश्वघोष बुद्ध चरित्र।
बोधिसत्व मायान बौद्ध धर्म। स्वेन तनसांग चीनी यात्री। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम समुद्रगुप्त। प्रशस्ति किसे कहते हैं? एक विशेष किस्म का अभिलेख। प्रशस्ति का अर्थ होता है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट किनके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। राजा हर्षवर्धन थे गुप्त वंश के शासक के। हर्षवंश के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी हरचरित में। स्वयं तनसांग कौन था? एक चीनी तीर्थयात्री। चालुक्यों का राज्य किस नदियों के बीच स्थित था? कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। चालुक्यों की राजधानी का नाम एहोल। सबसे प्राचीन चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले। महारोली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है लोह स्तंभ। लोह स्तंभ की ऊंचाई और वजन कितना है? ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा। लोह स्तंभ का निर्माण कब हुआ? लगभग 1500 साल पहले। लोह स्तंभ पर खुदे अभिलेख से किस शासक के दरबार के बारे में पता चला? चंद्र नामक शासक जो गुप्त वंश के थे। ऐसा कौन सा लोह स्तंभ है जिसमें कई वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगी? लोह स्तंभ मेहरौली। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। इन डिब्बों को क्या कहा जाता था जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ या कोई भी कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे? धातु मंजूसा। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता था जिन्हें कहा जाता था प्रदक्षिणा पथ। स्तूपों के वृत्ताकार पथ के रास्ते को जिस रेलिंग से घेर दिया जाता था उसे कहते हैं वेदिका। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना की इलांगो नामक कवि ने। महाकाव्य शिल्प कारीगर की किस व्यापारी की कहानी है? कोवलन। महाभारत युद्ध का उद्देश्य क्या था? पूर्व वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। महाभारत के लेखक व्यास। रामायण के लेखक वाल्मीकि। गणितक तथा खगोल शास्त्री कहा जाता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने संस्कृत में कौन सी पुस्तक लिखी? आर्यभट्टियम। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले चीन में हुआ था, इसे किस व्यक्ति ने किया? काई लून नाम के व्यक्ति ने। कालिदास का समय 1600 साल पहले। निम्नलिखित को सुमेल करिए। स्तूप, स्तूप का मतलब टीला। शिखर, गर्भ गृह के ऊपर की लंबाई में निर्माण। मंडप, मंडप का मतलब मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह। गर्भगृह, देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। थैंक यू वेरी मच।